15,000 रुपए के कम के बजट में गैलेक्सी M14 5G में आपको मिल जाता है 6000 mAh की बड़ी बैटरी, 5 नैनोमीटर का प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा, 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, एक एंड्रॉइड 13 वाला सॉफ्टवेयर और फुल HD प्लस 90Hz की डिस्प्ले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं फाइबर हिंदी और इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं गैलेक्सी M14 5G। बट ऑफ कोर्स आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलना, जिससे कि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, नॉर्मली जब हम बजट फोन्स का रिव्यू करते हैं ना, तो हम बात स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन या डिस्प्ले के बारे में बात करके, पर इस फोन के केस में मैं बात करना चाहता हूँ कैमरा के बारे में, क्योंकि कैमरा परफॉर्मेंस इस फोन की काफ़ी बढ़िया है फॉर अ सब 15,000 रुपीज़ स्मार्टफोन। पहले बात कर लेते हैं स्पेक्स की। तो गैलेक्सी M14 5G में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा मिल जाता है, जो साथ ही आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा भी यहाँ पे सैमसंग देता है। फ्रंट की बात करी जाए तो सेल्फी कैमरा को अपग्रेड कर दिया गया है, अब यहाँ पर आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का कैमरा। तो जब भी मैं कोई सैमसंग का फ़ोन यूज़ करता हूँ ना, तो मुझे एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन रहती है कि भाई अगर कैमरा परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं रहने वाली तो एटलीस्ट डिसेंट तो रहेगी। बट गैलेक्सी M14 को यूज़ करने के बाद जो फ़ोन 15,000 रुपये से कम में आता है, भाई मैं सरप्राइज हो गया, एंड इन अ गुड वे। कैमरा काफ़ी अच्छा है गाइस इस फ़ोन का, और 2 मेगापिक्सल वाले कैमरा की तो मैं बात नहीं करने वाला हूँ, बट जो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है काफ़ी बढ़िया है एक बजट फ़ोन के लिए। कौन कह सकते कि भाई ये फोटोज एक सब 15,000 रुपीज़ फ़ोन से ली गई हैं। कलर्स देखो, इतनी बढ़िया आते हैं, वेल कैलिब्रेटेड लगते हैं, डायनामिक रेंज ऑन पॉइंट रहता है फोटोज़ में। इवन जब मैं ह्यूमन सब्जेक्ट्स को क्लिक कर रहा था, गैलेक्सी M14 5G ने बहुत ही बेहतरीन काम किया स्किन टोन्स के साथ डील करने में, काफ़ी डिटेल्ड आउटपुट आता है, जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ शार्पनेस रहती है फोटोज़ में। सेल्फीज़ को भी भाई मैं एक बिग थम्स अप दूंगा, पोर्ट्रेट सेल्फीज़ भी अच्छी आती, हालांकि कुछ इश्यूज़ रहते हैं एज कटआउट के रिलेटेड, बट ओवरऑल आपको प्रिटी डिसेंट रिजल्ट यहां पे मिल जाता है। अब कुछ ट्रिकी सिचुएशंस में फ़ोन थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता है जब आप अगेंस्ट द लाइट फोटो खींचते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको गैलेक्सी M14 5G के परफॉर्मेंस से कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, और मैं HDR फोटोग्राफी की बात कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं नाइट फोटोग्राफी की तरफ, तो यहाँ पर भी मैं काफ़ी इंप्रेस रहा गैलेक्सी M14 5G से, और मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई ये फ़ोन एकदम ऐसा बनाया है कि भाई एक्सट्रीम लो लाइट फोटोग्राफी भी हैंडल कर लेगा, पर मैं ये कहूँगा कि अगर आपके आसपास आप लो लाइट सिचुएशन में हो, आपके आसपास थोड़ा बहुत भी आर्टिफिशियल लाइट है, तो गैलेक्सी M14 का कैमरा आपको बिल्कुल भी लेट डाउन नहीं करने वाला है। तो अभी मैं गैलेक्सी M14 5G के रियर कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग शूट कर रहा हूँ, 1080p 30fps की वीडियो है, और कुछ इस किस्म की क्वालिटी आपको मिल जाती है। भाई मैं तो विश्वास नहीं कर सकता इतनी बेहतरीन क्वालिटी ये कैमरा दे रहा है, मतलब USB फ़ोन का बैटरी है, पर भाई कैमरा में जो इसने मतलब इम्प्रेस किया ना मुझे, काफ़ी बढ़िया। ऐसी वीडियो भाई एक सब 15,000 रुपीज़ फ़ोन में आपको मिल रहा है, ऐसा क्वालिटी काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है सैमसंग ने यहाँ पे। HDR परफॉर्मेंस भी आपको दिखा देता हूँ, अगेंस्ट द सन अगर आप कभी शूट करते हो तो कुछ ऐसा आपको आउटपुट मिलने वाला है। स्टेबलाइजेशन भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, अगर अभी मैं मतलब एक सही ठीक ठाक पेस पर वॉक कर रहा हूँ, ब्रिस्क वॉक कर रहा हूँ, और स्टेबलाइजेशन भाई इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन मिलती है, और काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है गैलेक्सी M14 5G। ऑडियो वगैरह कैसे सुनाई दे रहा है, ओवरऑल क्वालिटी कैसी लग रही है, कलर्स वगैरह कैसे लग रहे हैं, भाई बताओ कमेंट सेक्शन में। बाकी अब आती है सेल्फी वाली वीडियो जो मैं आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो गाइस अभी मैं शूट कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी M14 5G के फ्रंट कैमरा से, आप फ्रंट से 1080p 30fps तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और कुछ इस किस्म की क्वालिटी आपको मिल जाती है। मैंने कैमरा को टेस्ट कर रखा है, मेरे हिसाब से क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है भाई सब 15,000 रुपीज़ के फ़ोन के लिए। वीडियो क्वालिटी फ्रंट से HDR परफॉर्मेंस कुछ ऐसी दिखती है, तो अगेंस्ट द सन मैं अभी शूट कर रहा हूँ, भाई मतलब सही परफॉर्मेंस है यार, 15,000 के फ़ोन के लिए काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है सैमसंग गैलेक्सी M14 5G। बाकी स्टेबलाइजेशन भी काफ़ी डिसेंट है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन है, तो ठीक ठाक मतलब परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है। ऑडियो कैसा सुनाई दे रहा है, और बाकी ओवरऑल कलर्स वगैरह कैसे लग रहे हैं आपको, ओवरऑल क्वालिटी कैसी लग रही है मुझे बताओ कॉमेंट सेक्शन में।
Samsung Galaxy M14 5G में आपको पॉलीकार्बोनेट बिल्ड मिल जाता है, राउंडेड एजेस मिलते हैं एट द बैक। फ्रंट की तरफ आ जाए तो एक फ्लैट प्रोफाइल है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। तो पीछे की तरफ अगर वापस आ जाए तो ये आईसी सिल्वर है गैलेक्सी M14 5G का। कैमरा मॉड्यूल को देखते ही आपको याद आएगी भाई गैलेक्सी S23 फोन्स की, जो कि काफी अच्छा लगता है बाय द वे ऑनेस्टली। तो ये जो कलर है ना, ये ग्लॉसी फिनिश में आता है पर फिर भी काफी बढ़िया काम करता है स्मजेस और फिंगरप्रिंट्स को हाइड करने का। अदरवाइज इसमें प्लास्टिक बिल्ड आपको मिलती है पर फिर भी कंस्ट्रक्शन एकदम सॉलिड फील होती है। ये फोन भाई एकदम बोलते हैं ना बिल्ड लाइक अ टैंक, वैसे ही फील होता है हाथों में। ऑफकोर्स यहाँ पर थोड़ा सा इसका वेट और हेफ्ट फील होता है क्योंकि 206 ग्राम इसका वेट है जैसे मैंने बताया, तो हैवी फोन है। पर इसके अलावा अगर आगे बढ़ें तो यूजुअल टाइप सी पोर्ट मिल जाता है बॉटम में, हेडफोन जैक है, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर है, डुअल नैनो सिम स्लॉट्स मिलते हैं और डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट मिल जाता है। तो बढ़िया काम किया यहाँ पे सैमसंग ने। वॉल्यूम बटन की बात करी जाए तो क्लिकी है, अच्छा टैक्टाइल फीडबैक मिलता है, थोड़ा सा मतलब ऊंचे लगे फॉर माई लाइकिंग बट ठीक है, काम चल जाएगा। ऑथेंटिकेशन की तरफ आ जाए तो आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है जो कि पावर बटन में एम्बेडेड है और परफॉर्मेंस काफ़ी स्पीडी और रिस्पॉन्सिव है। ओवरऑल मेरे हिसाब से सैमसंग ने काफ़ी बढ़िया काम किया डिज़ाइन और बिल्ड के साथ। अब हाँ, हैवी फ़ोन तो है भाई, 206 ग्राम का वेट है पर बिल्ड जो मैंने बताया कि बिल्ड लाइक अ टैंक, एकदम सॉलिड फील होता है भाई, एकदम बढ़िया फील होता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, दिखने में भी अच्छा है। तो डिज़ाइन और बिल्ड के मामले में सैमसंग गेट्स अ बिग थम्स अप फ्रॉम माई साइड। एक जो मेजर दिक्कत थी मुझे गैलेक्सी M13 5G के डिस्प्ले के साथ वो थी कि भाई HD प्लस रेजोल्यूशन देता था वहाँ पे सैमसंग। अब गैलेक्सी M14 5G में ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है और अब आपको यहाँ पर 6.6 इंच की डिस्प्ले मिलती है जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आती है। IPS LCD पैनल है, 90Hz रिफ्रेश रेट है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि भाई डिस्प्ले AMOLED डिस्प्ले जो मिलती है ना सैमसंग के फोन में उतनी अच्छी है, बट नॉनदलेस भाई ये एक वेल ट्यून्ड LCD पैनल है, कोई डाउट नहीं है उसका। ब्राइटनेस वाइज आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है फोन को इंडोर यूज करने में। आउटडोर्स थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है क्योंकि भाई इतनी भी ब्राइट डिस्प्ले नहीं है, पर फुल ब्राइटनेस में आपका काम चल जाएगा आउटडोर भी। क्वालिटी वाइज अगर बोलूँ तो कोई भी स्क्रीन ब्लीडिंग अराउंड द एजेस मुझे नहीं दिखी, कलर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं डिस्पाइट अगेन बीइंग एन LCD पैनल, काफ़ी वाइब्रेंट लगते हैं कलर्स, व्यूइंग एंगल्स भी काफ़ी डिसेंट है। अब कंटेंट कंजम्पशन की अगर बात करूँ तो गैलेक्सी M14 5G में आपको वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिलता है तो आप फुल HD वीडियोज़ आराम से इस पर चला सकते हो और वॉचिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहता है इस फोन पे, कंटेंट काफ़ी शार्प लगता है। और जो सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर है ना उसका वॉल्यूम भी बहुत मतलब मैं बोलूँगा कि रीजनेबली लाउड परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है जिससे कि आप अपने फेवरेट मूवीज़ और म्यूज़िक इन्जॉय कर पाते हैं। आ जाते हैं फोन की परफॉर्मेंस की तरफ। गैलेक्सी M14 5G में आपको Exynos 1330 चिपसेट मिल जाती है, इसके साथ ही आपको अप टू 6GB रैम और अप टू 128GB स्टोरेज ऑप्शंस भी मिलते हैं। सॉफ्टवेयर के विभाग में वन UI 5.1 कोर एडिशन मिल जाता है जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है और सैमसंग यहाँ पे आपको 2 साल के एंड्रॉइड OS अपग्रेड्स दे ही रहा है, साथ ही 4 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स भी देता है। तो जैसे कि आपने हेडलाइन में पढ़ा कि भाई बैटरी तो भाई ख़त्म ही नहीं होती है, तो क्योंकि 6000 mAh की यहाँ पर बैटरी आपको मिल जाती है, ये फ़ोन भाई एंड्योरेंस चैंप है और इस किस्म की बैटरी लाइफ इन अ वेरी लॉन्ग टाइम मैंने किसी भी फ़ोन में नहीं देखी। और हाँ ये बात है कि भाई फ़ोन चार्ज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है पर जब एक बार चार्ज हो जाता है ना भाई लंबा चलता है। और एक और कौन मैं बोलूँगा कि भाई इन बॉक्स आपको चार्जर नहीं मिलता है, बट अगेन ये सारी चीज़ें फेड आउट हो जाती हैं क्योंकि जो सुपर्ब एंड्योरेंस आपको गैलेक्सी M14 5G में मिल रहा है ना भाई नेक्स्ट लेवल है, अनलाइक एनी अदर डिवाइस आपको कोई दे पाता है। आई मीन हैवी डेज पे जब मैं बहुत सी गेमिंग कर रहा था या कैमरा को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा था तब भी फ़ोन आराम से 2 दिन की बैटरी लाइफ दे रहा था ऑन अ सिंगल चार्ज और फिर भी 15-20% बैटरी बच जाती थी। और अगर लाइटर डेज की बात करूँ तो मैं श्योर हूँ कि भाई ये फ़ोन आराम से 3 दिन भी चल जाएगा ऑन अ सिंगल चार्ज। तो चलो बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो Exynos 1330 चिप, एक 5 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, काफ़ी बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है और मैंने सोचा नहीं था कि भाई मैं ये बात बोलूँगा बट ये Exynos चिप एकदम हीट नहीं करती इवन अंडर हैवी लोड्स। तो जनरल टास्क हो जाते हैं जैसे कि सोशल मीडिया, टेक्सटिंग या फिर ब्राउजिंग, ये सब तो आराम से भाई गैलेक्सी M14 5G हैंडल कर लेता है। 90Hz की रिफ्रेश रेट मिलती है तो भाई स्क्रोलिंग वगैरह काफ़ी स्मूथ और रिस्पॉन्सिव फील होती है। ऐप ओपनिंग टाइम्स मैं बोलूँगा भाई डिसेंट है, एकदम फास्ट नहीं है बट आपका काम चल जाएगा।
और अगर गेमिंग पे आ जाऊँ तो भाई ये फ़ोन आराम से वैरायटी ऑफ गेम्स आराम से चला लेता है। मेरे एक्सपीरियंस में एसफॉल्ट 9 मैंने इस पर खेला, काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस मिली और लॉन्ग सेशंस तक भी मतलब मैं इसको चला पाया एसफॉल्ट 9 को आराम से बिना किसी दिक्कत के, तो वो एक अच्छी बात है। पर हाँ, जब आप बहुत सारा कैमरा यूज़ करते हो, या फिर मैं बोलूँ कि भाई जब मैं एसफॉल्ट 9 बहुत ज़्यादा खेल रहा था, एकदम एट अ स्ट्रेच खेल रहा था, उस टाइम पे फोन थोड़ा बहुत एकदम स्लाइटली वार्म फील होता है नियर द कैमरा मॉड्यूल, बट दैट्स अबाउट इट। थर्मल मैनेजमेंट ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी मिलती है। ब्लोटवेयर, हाँ भाई ब्लोटवेयर है बहुत ज़्यादा, पर ये बहुत सारी ऐप्स जो अननेसेसरी हैं उन्हें आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, तो वो ठीक बात है। एक और अगर अनोइंग बात बताऊं सॉफ्टवेयर की, तो वो है कि भाई ग्लांस स्क्रीन को आप लॉक स्क्रीन पे जो मिलती है उसको आप डिसेबल नहीं कर सकते। पर अगर मैं ब्लोटवेयर को हटा दूं और ग्लांस को हटा दूं, ग्लांस पर सैमसंग को हटा दूं जो मैंने अभी बताया, तो वन यूआई 5.1 कोर एडिशन काफ़ी रिफाइंड फील होता है और इन लाइन फील होता है सैमसंग के महंगे फ़ोन्स के साथ, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। प्लस ऑल द मेजर फीचर्स जैसे कि सिक्योर फोल्डर या फिर सैमसंग पे, या फिर वॉइस फोकस, प्राइवेट शेयर, या इवन जो मेन एंड्रॉइड 13 के एडिशन है ना भाई, वो सारे फीचर्स आपको इस कोर एडिशन वाले वन यूआई 5.1 में मिल जाता है। सो दैट इज प्रिटी गुड। तो मोटा मोटा अगर बताऊं तो भाई ये वाला जो फोन है गैलेक्सी M14 5G, ये वन ऑफ द लेटेस्ट एंट्री है सब 15,000 रुपीज वाले प्राइस सेगमेंट में। और अगर कंपटीशन की बात करूं तो भाई कंपटीशन वाले फोन अभी रिलीज भी नहीं हुए, उनके पुराने वाले अभी बिक रहे हैं, तो अभी ये वाला सबसे नया है सब 15,000 रुपीज प्राइस सेगमेंट में। और इससे सैमसंग को ना एक बहुत बढ़िया वाली हेड स्टार्ट भी मिल जाती है, और स्पेशली अगर आप मार्केट में हैं, आपको नया फोन चाहिए, फ्रेश फोन चाहिए 15,000 रुपए के बजट में, आप डेफिनेटली गैलेक्सी M14 5G को कंसिडर कर सकते हो। यू सी, जो चीज़ें थी ना भाई कि गैलेक्सी M13 5G में जो मिसिंग थी, जो उसको एक सॉलिड एंट्री लेवल फ़ोन बना सकती थी, उन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है गैलेक्सी M14 5G के साथ। इसमें आपको भाई बेहतरीन बैटरी लाइफ मिलती है, सॉलिड सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस मिल जाता है, डिज़ाइन और बिल्ड काफ़ी अच्छा जैसे मैंने बताया। और मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछो तो इस फ़ोन का जो USP है वो इसका प्लेजेंट कैमरा परफॉर्मेंस है। हाँ, सैमसंग इस फ़ोन को प्रमोट कर रहा है इसके 6000 mAh बैटरी के लिए, बट मेरे लिए कैमरा परफॉर्मेंस काफ़ी ताबड़तोड़ रही है गैलेक्सी M14 5G में। तो फाइबर रेट करता है सैमसंग गैलेक्सी M14 5G को एक सॉलिड 8 out of 10। पर गाइज, आप लोगों का इस फ़ोन को लेके क्या ख्याल है मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। इस रिव्यू वीडियो के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।